हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके मन में एक डाउट कंफर्म है कि उनका एग्ज़ाम कब आने वाला है। अब एक नया डाउट ये भी आ गया है कि उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि ये जो JEE CUP का ऑफिशियल वेबसाइट है ये बिल्कुल से बच्चों को गुमराह कर रही है। और इस गुमराह में आप जैसे क्या कहते हैं परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपको अपने अनुभव के अनुसार बिल्कुल सही गाइडेंस देते हैं कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफिशियली अभी दिखाया जा रहा है वो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि पहले मैं बता देता हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार JEE CUP का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जब आप चेक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेट है यूपी पॉलिटेक्निक के किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो मैं तो यहाँ पर ग्रुप ई को लेकर के स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ। चाहे वो किसी भी ग्रुप से, तो उनके लिए भी यही इन्फॉर्मेशन रहेगा जिसके थ्रू ग्रुप ई के थ्रू ही डिप्लोमा इन फार्मेसी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है, यूपी के। तो मैं बात करता हूं कि आपका एग्जाम डेट ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो है वो है आपका 1 जून से लेकर के 5 जून के बीच में, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है 25 जून तक था, है ना, 25 जून तक है आपका एप्लीकेशन फॉर्म डेट। क्या आपको लगता है कि अगले 5 दिन में फिर आपका एग्जाम हो जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब एग्जाम नहीं होने वाला है अभी हाल फिलहाल में, तो आपका क्या JEE CUP को एक नोटिस जारी करना चाहिए था कि नहीं कि अभी एग्जाम नहीं होगा? लेकिन नहीं, वो करेंगे कब, वो उनका जब मन करेगा, तो इसीलिए बच्चे परेशान है। तो एडमिट कार्ड कब आएगा भैया? एडमिट कार्ड क्यों आएगा जब एग्जाम ही नहीं है अभी? तो आपका, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता देता हूं कि जो आपका एग्जाम डेट रहने वाला है वो लास्ट वीक ऑफ जून में रहेगा। इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो लास्ट डेट क्या था? लास्ट डेट था 1 मई। इसको एक्सटेंड करके कहाँ तक ले गया? 15 मई। फिर एक्सटेंड करके कहाँ तक गया? 25 मई तक, ठीक है। तो 25 दिन लगभग जब एग्जामिनेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ है, तो एग्जाम डेट भी लगभग 20 से 25 दिन एक्सटेंड होगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपका लगभग 25 जून से 30 जून के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा, वो जब भी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आएगा, तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी अभी नहीं आएगा। एडमिट कार्ड तब आता है जब आपका एग्ज़ाम डेट आ गया, उसके 1 से 2 दिन या 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है। यदि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कोई ग्रुप से हैं और ग्रुप ए से हैं और एग्ज़ाम डेट आपका 25 तारीख को है, तो आपका एडमिट कार्ड 22 या 23 को आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका कोई साथी संगति है जिसका कि एग्ज़ाम डेट 26 को है और उसका एडमिट कार्ड 20-22 को नहीं आया, तो उसका एग्जाम डेट उसके अनुसार आएगा, 2 या 3 दिन पहले आता है, ठीक है। तो जब भी एडमिट कार्ड के लिए डेट अनाउंस्ड होगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल डाउनलोड करके दिखा दूंगा, कैसे वेबसाइट चेक करते हैं वो भी बता दूंगा। तो चिंता नहीं करना है, उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल से रेगुलर बेसिस पे बने रहिए, ठीक है। तो दोनों डाउट क्लियर हुआ, एडमिट कार्ड कब आएगा, जब भी एग्जाम डेट अनाउंस होता है तब आएगा। एग्जाम डेट क्या है? तो अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1 से 5 जून है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम डेट क्या आपको मान के चलना है? 20 से 30 जून तक, ठीक है। अब हम लोग स्पेशली बात करते हैं ग्रुप ई को लेकर के, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जो यदि एडमिशन लेना है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल, ये जो चैनल है ये उदित फार्मेसी है, यहाँ पे हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर अदर वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उदित एकेडमी एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ की रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही है, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, ठीक है। तो और वहाँ पर हर एक न्यूज़ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहा है, ओके, मिलते जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप रेगुलर मैनर्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अगले 35 से 40 दिन में एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, और यदि आप 2 से 3 घंटे पर डे पढ़ने का क्षमता रखते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कि हम लोग उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करने के लिए एक बैच लॉन्च किया, जिसमें कि पूरी बायोलॉजी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। कुछ सिलेबस बचा हुआ है जो कि मैं कंप्लीट करा रहा हूं, और बायोलॉजी ही मेन है। यदि बायोलॉजी आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी आता है, और अगर 40-50 क्वेश्चन सही हो जाता है पूरे एग्जाम में, तो आपका रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, आपको कॉलेज मिल जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है सही गाइडेंस में, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 499 रुपया में आपको वो बैच मिल जाएगा। प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के बात करें, तो फिजिक्स
केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ देंगे थोड़ा बहुत, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हम लोग गाइड भी थोड़ा बहुत कर देंगे, ठीक है। माना जाए तो मोटा मोटी तौर पर आपको एक एवरेज तैयारी मिल जाएगी, जिससे कि आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं, ठीक है, कम समय में अच्छी तैयारी पा सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी है कैसे ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नाम ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करिए और स्टोर वाले सेक्शन में आ जाइएगा। और वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से बैच मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लीजिएगा। अगर एनरोलमेंट में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे या तो डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको कम्प्लीटली हेल्प किया जाएगा। और भी कोई डाउट है इस ग्रुप ई के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर वो आपका डाउट रिलीवेंट रहा तो उस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट्स होगा, परेशानी होगी, समस्या होगा, तो आपका पास हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए। अदरवाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।